आज कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद मैंने अपने प्रीव्यू में कर ही दी थी। किन का मास्क आज उतार दिया गया? क्या ड्रू मैकइंटायर टी बार और मैस से लास्ट वीक का अपना बदला ले पाए? आस्का और शार्लेट फ्लेयर के मैच में क्या दिखा और कैसे शेमेस ने ओपन चैलेंज की खुद ही हवा निकाल के रख दी? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ड्रू मैकइंटायर की एंट्री से होती है। वो आके कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब आप हार्ड वर्क करो, कभी गिव अप ना करो। तो चीजें वैसी ही होती हैं जो मैंने लास्ट वीक प्रूव करा। फिर वो एडमिट करते हैं कि मुझे नहीं पता कि टी बार और मैस की एमवीपी के साथ पार्टनरशिप की क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं चाहे वो कुछ भी हो। तभी एमवीपी की एंट्री होती है। वो आके इस बात को डिनाई करते हैं कि हर्ट बिजनेस का टी बार और मैस से कोई जुड़ाव है। फिर कहते हैं ड्रू मैकइंटायर ने अपने दुश्मन खुद बनाए हैं और ये उनका इशू है। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं मे बी ऐसा पॉसिबल हो। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर एमवीपी से बात करने के लिए नीचे रिंग से उतरते हैं। तभी टी बार और मेस फिर से आके ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर देते हैं और वापस उनको रिंग में ले जाके डबल चॉक स्लैम देके ढेर कर देते हैं। अटैक के बाद ड्रू मैकइंटायर बैकस्टेज एडम पियर्स को ढूंढते हैं और टी बार और मेस के खिलाफ मैच की डिमांड करते हैं। एडम कहते हैं कि ओके, बट पहले तुम्हें एक टैग टीम पार्टनर की जरूरत होगी। इसके बाद हमें विकिंग राइडर्स वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन बेंजामिन के बीच लास्ट वीक की तरह इस बार भी टैग टीम मैच देखने को मिला। सेम मैच में फिर इस वीक हमें देखने को मिला। अब इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ करने को है नहीं है। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। एंड में जीत विकिंग राइडर्स की हुई। नेक्स्ट हमें रैंडी ऑर्टन बैकस्टेज एक इंटरव्यू में दिखाई दिए। उनके साथ एक इंटरव्यू भी था। वो उनसे रेसलमेनिया में फिंड के खिलाफ जीत के बारे में पूछता है। तभी वहां मैट रिडल आ जाते हैं और आके रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तुम लेजेंड किलर हो, वाइपर हो, तुम्हारे पास भी टाइटल नहीं है और मेरे पास भी टाइटल नहीं है। फिर वो रैंडी ऑर्टन को एक टैग टीम बनाने का ऑफर देते हैं जिसका नाम आरके ब्रो होगा। ये सुन के रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं इस रेसलर का नाम भी नहीं जानता हूं, बट वो फिर एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं। मैट रिडल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर दिखाई देती हैं। वो आके कहती हैं कि लास्ट वीक मैंने रॉ में वापसी करी और पूरा WWE यूनिवर्स जानता है कि मैंने इस डिवीजन के लिए क्या क्या करा है। इसके बाद वो रेहा रिप्लाई और आस्का को कॉल आउट करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि मैं क्वीन क्यों हूं। रेहा रिप्लाई और आस्का की एंट्री होती है। शार्लेट रेहा रिप्लाई से कहती हैं कि आज की रात तुम आस्का को मेरे से हारते हुए देखोगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी ग्रेट हूं। रेहा रिप्लाई कहती हैं मैं जानती हूं कि आस्का तुम्हें हरा देगी। शार्लेट आस्का का मजाक बनाती हैं और याद दिलाती हैं कि मैं वही हूं जिसने आस्का की स्ट्रीक को तोड़ा था। फिर एंड में आस्का बोलती हैं आई बीट यू। नेक्स्ट समय मैट रिडल वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होता है तो रैंडी ऑर्टन मैट रिडल को डाउन करने में लग जाते हैं, बट मैट रिडल ऑर्टन पर स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। ऑर्टन मैट रिडल को पटक के खुद को छुड़ाते हैं, बट रिडल फिर से स्लीपर होल्ड लगाते हैं और तीसरी बार भी वो यही लॉक लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन बच के रिंग के बाहर जाते हैं तो मैट रिडल फिर ये लॉक लगाने का ट्राई करते हैं, बट अब रैंडी ऑर्टन मैट रिडल को एप्रिन पर दे मारते हैं और रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर भी दे मारते हैं। ऑर्टन अब मैच में पकड़ बना लेते हैं और बैक टू बैक मूव देके मैट रिडल की हालत खराब कर देते हैं। काफी देर बाद मैट रिडल पलटवार करके फुर्ती में कुछ मूव्स देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच जिसे देखने में वाकई मजा आया। वहीं रैंडी ऑर्टन ने मैट रिडल को मिड रोप से डीडीटी दी। उसके बाद रैंडी ऑर्टन आरक्यू की तैयारी में थे, बट मैट रिडल यहां रिवर्स करते हैं, रैंडी ऑर्टन को रोल करते हैं 1-2-3 और मैच मैट रिडल जीत लेते हैं। इसके बाद शेमस बैकस्टेज एडम पियर्स के पास जाते हैं जहां एडम पियर्स शेमस के US चैंपियन बनने पर उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं। एडम पियर्स शेमस को US टाइटल के लिए ओपन चैलेंज करने को कहते हैं और बोलते हैं कि आज के लोगों की यही डिमांड है, मतलब कि वन गाय एवरी वीक। शेमस कहते हैं मैं क्या जॉन सीना हूं, मतलब कि शेमस को ओपन चैलेंज करने में थोड़ा तो इशू हो रहा था। इसके बाद हमें शायना बेजलर, नाया जैक्स वर्सेस लाना और नायोमी के बीच टैग टीम मैच दिखा। नाया जैक्स और नायोमी ने इस मैच की शुरुआत करी। अब इस डिवीजन में कुछ मजा नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है वो शायद खुद WWE को भी नहीं पता है। मैच के बीच में मैंडी रोज और डाना ब्रूक की एंट्री होती है। वो आके कुछ क्लिप्स चलाती हैं। मैच चल रहा होता है। ये सब देख करके नाया जैक्स झल्ला जाती हैं और उतर के रिंग से इन दोनों की तरफ बढ़ती हैं। शायना अकेले पड़ जाती हैं, जिसके बाद लाना और नायोमी शायना बेजलर को पिन करके मैच अपने नाम कर लेती हैं।
नेक्स्ट हमें मिज अपनी वाइफ मरीज के साथ मिस टीवी पर दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि वो एक स्पेशल सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं। मिज लास्ट वीक डेमियन प्रीस्ट को हराने की बात भी करते हैं। इसके बाद मिज और मरीज दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं और जबरदस्त पायरो यहाँ पे देखने को मिले। कुल मिला के ये दोनों यहाँ मिज मरीज के प्रमोशन के लिए दिखाई दिए, तभी इन्हें डेमियन प्रीस्ट इंटरप्ट करते हैं और आके कहते हैं कि मिज भ्रम में है कि वो रियल फाइटर हैं, तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। डेमियन प्रीस्ट लास्ट वीक मैच की क्लिप दिखाते हैं जहां मिज ने चीटिंग से मैच जीता था। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट एक जाम उठाते हैं और फिर मिज अपने ग्लास की शैंपेन डेमियन के मुंह पे मार देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद हमें अलायस वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच सिंगल मैच दिखा। दोनों के पार्टनर रिंग साइड मौजूद थे। मैच शुरू होते ही अलायस कॉफी किंगस्टन को नी स्ट्राइक देके पिन करते हैं। कॉफी किंगस्टन किक आउट कर देते हैं। अलायस कुछ टाइम कॉफी किंगस्टन में मार देते हैं, फिर कॉफी किंगस्टन पलटवार करते हुए अलायस को धोना शुरू करते हैं। छोटा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। एंड में अलायस ने चौंकाते हुए कॉफी किंगस्टन को इस मैच में हरा दिया। अब हमें अलेक्सा ब्लिस बैक स्टेज दिखी जहां वो अपने प्लेग्राउंड में थी। वो कहती हैं कि मैं बहुत लंबे टाइम तक लिली की अच्छी फ्रेंड थी। वो कहती हैं कि एक टाइम था जब एक लड़की मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती थी, उसने फिर उस लड़की को झूले से उतार दिया और फिर उसका हाथ तोड़ दिया, तब जाके उसे पूरी उसकी आइसक्रीम खाने को मिली। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि अगर लिली को कुछ पसंद नहीं है तो वो मुझे बता देती है। वो रॉ के रोस्टर को वार्निंग देती हैं कि लिली मुझे पसंद नहीं करती थी और रोस्टर पर भी वो किसी को पसंद नहीं करती है। अब टाइम था हैंडीकैप मैच का, जो कि ड्रू मैकेंटायर वर्सेस टी बार मेस के बीच देखने को मिला। ड्रू मैकेंटायर मैच के शुरू होते ही टी बार पर टूट पड़ते हैं। एमवीपी इस मैच को बैक स्टेज देख रहे थे। वहीं टैग अब मेस पर आता है। दोनों मिलके ड्रू मैकेंटायर को अच्छी टक्कर दे रहे थे। अब रेट्रीब्यूशन के टाइम पर ये ऐसे नहीं लड़ते बढ़ते दिखाई देते थे। दोनों मिलके ड्रू मैकेंटायर को अच्छे से मारते हैं। ड्रू मैकेंटायर फाइट बैक की कोशिश करते भी हैं बट ये लोग इसे फेल कर देते हैं। एंड में ड्रू मैकेंटायर ग्लासगो किस देके क्लेमोर के तैयारी में थे बट तभी ये दोनों मिलके ड्रू मैकेंटायर पर अटैक कर देते हैं। रेफरी के रोकने पर भी ये लोग नहीं रुकते हैं, इस वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया जाता है और मैच ड्रू मैकेंटायर जीत जाते हैं। अब ये दोनों ड्रू मैकेंटायर को जम के मार रहे होते हैं, तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। वो आके इन दोनों से डील करते हैं और ड्रू मैकेंटायर की साइड से टीम बना के इनके अगेंस्ट दिखते हैं, मतलब कि हमें फिर एक टैग टीम मैच दिखा। ब्रॉन स्ट्रोमैन और मेस के बीच भिड़ंत से मैच आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कम नहीं पड़ रहे थे बट ब्रॉन स्ट्रोमैन एक टाइम मेस पर हावी होके उन्हें जम के मारते हैं और टैग ड्रू मैकेंटायर पर आता है। वो मेस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। हालांकि ड्रू मैकेंटायर जल्दी टैग ब्रॉन स्ट्रोमैन को देने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर टी बार और मेस मिलके ब्रॉन स्ट्रोमैन में जम के मार लगाते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एक टाइम आया जब ब्रॉन स्ट्रोमैन को इन दोनों ने ढेर कर दिया। टैग ड्रू मैकेंटायर पर आया और उन्होंने कंडीशन को संभालते हुए मेस का मास्क उतार दिया। फाइनली मेस का फेस सबको देखने को मिला और वो ड्रू मैकेंटायर में थप्पड़ मार देते हैं। ड्रू मैकेंटायर इसके बाद मास्क से ही मेस की सुताई करना चालू कर देते हैं। रेफरी मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक देता है और जीत टी बार और मेस की हो जाती है। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन आके टी बार को मारते हैं और उनका भी वो मास्क उतार देते हैं और मास्क से ही टी बार को मार के रिंग के बाहर कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहां से चले जाते हैं। अब हमें मिज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच सिंगल मैच दिखा। मैच के शुरू में ही डेमियन प्रीस्ट मिज पर हावी होते हुए दिखाई दिए और उन्हें टेक डाउन करते हैं। कुछ देर बाद मरीस इंटरफेयर करती हैं तो मिज को एडवांटेज मिलती है और बैरिकेड में वो डेमियन प्रीस्ट को मारते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। एंड में जीत डेमियन प्रीस्ट की होती है। अब हमें शेमस देखने को मिले। वो आके कहते हैं कि मैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूं और लंबे टाइम तक ऐसा ही रहेगा। मैं अब यूएस चैंपियन हूं क्योंकि मैंने लापरवाही वाले डिसीजन नहीं लिए। मैं फाइटिंग चैंपियन बनने जा रहा हूं। मैं हर वीक एक ओपन चैलेंज करूंगा। क्या कोई बैक स्टेज है जो टाइटल शॉट चाहता है? तभी हम्बर्टो कार्लियो की एंट्री होती है। मैच शुरू होने से पहले ही शेमस कार्लियो पर अटैक कर देते हैं और उन्हें जम के मारते हैं और फिर बैरिकेड और टर्न बकल में भी मारते हैं और कार्लियो को रिंग में ब्लॉक देके ढेर कर देते हैं और ओपन चैलेंज की खुद ही हवा निकाल देते हैं। इसके बाद हमें आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच एक मैच दिखा। रेहा रिप्ले रिंग के पास चेयर पर बैठी दिखाई दी। रिंग में मैच शुरू होता है। दोनों जीत के लिए एक दूसरे से बढ़ती हैं। शुरू में आस्का मार मार के शार्लेट पर हावी होती हैं। शार्लेट भी पलटवार करती हैं और दोनों ही रिंग के बाहर ढेर हो जाती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। एंड में फ्लेयर आस्का को फिगर फॉर एट में पकड़ती हैं। रेहा रिप्ले फ्लेयर को हिट करती हैं और इतना काफी होता है आस्का को मैनेज करने के लिए और वो फिर फ्लेयर को पिन करके मैच
जीत लेती हैं। अब हार से झल्लाई शार्लेट फ्लेयर ने रेफरी पर अटैक कर दिया और जम के उसमें मार लगाई। वहीं दो रेफरी और फ्लेयर को रोकने आए बट वो रुक नहीं रही थी। जब उनका मारना खत्म हो गया तब वो रिंग से चली गई और यही आज का शो एंड हुआ। अब शो में काफी कुछ देखने को मिला, मतलब की काफी कुछ। हालांकि बॉबी लैशली टैग टीम चैंपियंस और फिंड हमें आज के एपिसोड में नहीं दिखाई दिए बट आज के शो में रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट रिडल के बीच काफी सही मैच दिखा। अब मुझे समझ नहीं आता है हर वीक के एपिसोड में मैट रिडल बैकस्टेज किसी ना किसी से अटकते क्यों फिरते हैं। वहीं ड्रू मैकइंटायर पर आज फिर से टी बार और मेस का अटैक दिखा और उनके खिलाफ उन्हें मैच भी मिला। पहले वो अकेले लड़े और फिर उनका साथ देने ब्रॉन स्ट्रोमैन आए। अब इन दोनों ने एक एक करके टी बार और मेस का मास्क आज फाइनली उतार दिया, जिसका जिक्र मैंने कल के प्रीव्यू में भी करा था। दोनों को इतना पावरफुल तो रेट्रीब्यूशन में भी नहीं दिखाया जाता था। वहीं मेन इवेंट में रेहा रिप्ले ने शार्लेट फ्लेयर को हिट करके आस्का को जीतने का मौका दे दिया, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर का एक विकराल रूप देखने को मिला। शायद WWE ने ऐसा दिखा के शार्लेट फ्लेयर को एक बड़ी हील वुमेन के तौर पर पेश करा है, मतलब रेफरी को ही नहीं छोड़ा। खैर ओवरऑल एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर चॉक स्लैम ब्रॉक किक और क्ले मोर देकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।